नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो मंगल लक्ष्मी की। दोस्तों, सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में ना आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि हमारी सौम्या सच धज कर दुल्हन बन चुकी है। सुलह सिंगार के साथ वो मनंत से शादी के लिए तैयार हो गई है। सौम्या के माँ बाप बहुत खुश है, तो वही मंगल की खुशी भी फूले नहीं समा पा रही है। लेकिन बेचारे अदित का क्या, उनका तो बुरा हाल हो रहा है। और इधर सौम्या भी अपने ही बनाए जाल में इतना बुरा फंस चुकी है कि इससे बाहर कैसे निकले कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा है। तो इधर अदित बेचारा बहुत ज्यादा परेशान है और बस यही सोच रहा है कि वो इस शादी को रोके तो रोके कैसे। तब तक इधर सौम्या भी अदित पर प्रेशर बना रही है कि बस इस शादी को जल्द से जल्द रोक दो, कुछ भी करो मगर शादी को रोक दो। तो इधर अब हमारा अदित जो है ना, वो सच में बहुत परेशान है शादी रोकने के लिए और उलूल जुलूल आलतू फालतू से आइडियाज लगा रहा है ताकि वो सौम्या और मनंत की शादी रोक सके। कभी वो सौम्या को घर छोड़कर शादी छोड़कर भाग जाने को कहता है, तो कभी वो मनंत के साथ एक हादसे को अंजाम देने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर ना शायद अदित की जिंदगी में बहुत ज़्यादा मनहूसियत आई हुई है, तभी तो जितने भी वार वो मनंत के साथ करने की कोशिश करता है वो सब मंगल की वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि अनहोनी आने से पहले ही मंगल उस अनहोनी को दूर कर देती है और मनंत को बचा लेती है, इससे कि हमारा मनंत भी ठीक है और अब वो भी दूल्हा बन चुका है और दूल्हा बनकर वो भी तैयार है सौम्या से शादी करने के लिए। लेकिन क्या सच में सौम्या और मनंत की शादी हो जाएगी? अगर ऐसा हो गया तो शायद स्टोरी सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में कुछ दिखाने के लिए बचेगा ही नहीं। तो देखते हैं गाइज अदित कौन सा चमत्कार करता है और सौम्या और मनंत की शादी रुकता है। वैसे आप लोग क्या दिल से चाहते हैं कि मनंत और सौम्या की शादी रुक जाए? वैसे अगर चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं चाहते हैं तो भी आप यस नो में कमेंट करके जरूर बताइएगा।